आज इस विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ जी। आपने बिल्कुल ठीक देखा, इस विषय के ऊपर आज जो है आप लोगों से बातें होंगी। इस विषय पर 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा मसीह समाज में, ओके। लेकिन उसके पहले आपको बताता चलूं कि एवरी सैटरडे प्रति शनिवार ठीक रात 8 बजे मैं आपके बीच में आता हूं, जैसे अभी आया हूं, और जिसके चलते मैं इनवाइट करता हूं उन सभी भारत के लोगों को, भारत के बाहर आप जितने भी प्रभु में हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूं मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ इन दी ऑनलाइन चर्च मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्यों? बड़े डंके की चोट पे और बड़े गर्व के साथ मैं ये बात को कहना चाहूंगा, आप लोग भी सुनिएगा जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। इस पेज से और मेरे मुंह से और इस मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आपको कभी भी बकवास की बातें नहीं मिलेगी सुनने को। ढंके की चोट पे और बड़े गर्व के साथ इस बात को रखूंगा कि यहां किसी प्रकार का सुसमाचार को बेचा नहीं जाता, यहां किसी प्रकार का सुसमाचार को लेकर किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता। जी हां, जिसको हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहां किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। तो जिसके चलते मैं आपका इनवाइट करता हूं, आपको वेलकम करता हूं और कहता हूं कि हमसे जुड़िए। वो इसलिए यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। तो दोस्तों, जिस वजह से मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं आइए और हमसे जुड़िए। जितने इस वक्त में फेसबुक पर देख रहे हैं, आप सिर्फ देखते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में फॉलो करिए पेज को, और साथ ही साथ उन लोगों तक भी जिनको नहीं पता कि ऐसा कुछ भी प्रचार होता है, एवरी सैटरडे ऐसी कुछ सच्चाई की बातें होती है जिसको लेकर आप उनको वेलकम कर सकते हैं और मेरे पेज पे आप उनको बुला सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पेज को लाइक करें, फॉलो करें, दूसरों को मोटिवेट करें देखने के लिए, और साथ ही साथ उन सबको जिसके साथ में आप व्हाट्सएप पे जुड़े हैं इसकी लिंक कॉपी करें और वहां पेस्ट कर दें, और उनको कहें कि कुछ ऐसी बातें चल रही है जो इन सब को रख कर कहता है कि बिल्कुल एक जैसी। दोस्तों, जिसके चलते मसीह की दह मजबूत हो, मसीह की दह परमेश्वर के राज्य में परिपक्वता से मजबूत हो या आगे बढ़ सके, और मुझ जैसे 10% खरे प्रचारक प्रभु यीशु की बातें लोगों के बीच में रख सके। दोस्तों, इस स्लाइड को मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखिएगा और बात को समझिएगा। लिखा है कि कैसे देखते व सुनते हो डैनियल राज को, संस्था के नजरिए से या परमेश्वर के राज्य के नजरिए से, क्योंकि दो ही टाइप के लोग हैं, दो ही तरह के झुंड है, एक है संस्था की झुंड और दूसरा है परमेश्वर के राज्य के झुंड। संस्था की झुंड और संस्था वाले और संस्था की नजरिए से मुझे सुनने व देखने वाले मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसी बातें करता हूं जो राज्य की है, मेरी जो शिक्षाएं हैं वो राज्य की हैं, मेरी जो टीचिंग्स हैं वो राज्य की हैं। जो डॉक्ट्रिन जिसको हम कहते हैं ना, यीशु की खरी शिक्षा है, वो राज्य की, परमेश्वर के राज्य की। इसी को तो पतरस ने प्रचार किया, इसी को तो पौलुस ने प्रचार किया, इसी को तो पहली सदी के लोगों ने प्रचार किया, और इसी को 21वीं सदी के मुझ जैसे 10% प्रचार कर रहे हैं। तो संस्था भले हमको कभी पसंद नहीं करेंगे, और यही वजह है कि वो मेरे विरोध में बहुत सारी बातें बोलते हैं, वीडियोज बनाते हैं, बट हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मैं जब बात करता हूं खरी शिक्षाओं की, जिसको मैं भी रखूंगा इस वचन के हिसाब से, पौलुस जो था वो परमेश्वर की राज्य की बातें सिखाता रहा निडर होकर, किसी भी
बात की चिंता ना कर, क्योंकि राज्य का प्रचारक क्रिटिसिज्म या क्रिटिक से नहीं डरता, आलोचनाओं से नहीं डरता। ढंके की चोट पे राज्य का प्रचार इस वचन के हिसाब से, जी हां, इस वचन के हिसाब से राज्य का प्रचारक वचन के बाहर प्रचार नहीं करता। और यही वजह है कि जब हम टीच करते हैं इन सभी विषयों पर, उनको दिक्कत होती है जिब्रिश की बात को लेकर, यानी कि रबा रबा शबा शबा हम नहीं मानते। परमेश्वर के राज्य के लोग इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि ऐसी भी कोई भाषा परमेश्वर देता है जिसको 90% ऐसे पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक और कुछ इंडिपेंडेंट चर्च वाले अफ्रीका अमरीका भारत ऐसी टीचिंग को अपना चुके हैं जो राज्य की टीचिंग नहीं है। एक नाम का बपतिस्मा राज्य की टीचिंग नहीं, यह संस्था की है। दशमांश के नाम पे लोगों को लूटना राज्य की टीचिंग नहीं है, यह संस्था की है। हम लोगों को नीचे नहीं गिराते, यह राज्य की टीचिंग नहीं है, यह संस्था की टीचिंग है। यहूदीवाद की शिक्षा संस्था की है, मनुष्य परमेश्वर है ऐसी बातों को सिखाना राज्य की टीचिंग नहीं है, संस्था की टीचिंग है। राज्य की टीचिंग क्या है? महिलाएं पास्टर बन सकती हैं उद्धार के बाद भी, उद्धार के बाद प्रभु बोझ आप दे सकते हैं, लेकिन शर्त लागू कर देते हैं ये संस्था वाले कि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, वो चर्च का मेंबर नहीं बना है। तुम्हारी संस्था का मेंबर बाद में बनेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य का मेंबर वो बन चुका है। और जो राज्य का मेंबर बन चुका है उसको आप कैसे रोक सकते हैं प्रभु के प्रभु बोझ लेने से? मेरी तो औकात नहीं है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, और मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता 50 डॉक्टर शिबू थॉमस जैसे आ जाएं या फिर इनके जैसे और भी लोग आ जाएं। मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता, और ना ही लिखित में कहीं लिखा है, पत्रस के द्वारा, पौलुस के द्वारा, यीशु जी के द्वारा, किसी के भी द्वारा नहीं लिखा है कि जब तक बपतिस्मा नहीं होता उसको प्रभु बोझ मत दो। शर्त बपतिस्मा नहीं है, शर्त व्यक्ति का उद्धार है, उसका बेटा बेटी बनना। आशीष के बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते, हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते। तो जिसके चलते दोस्तों जब मैं ऐसी बातें करता हूं ये संस्था वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे, और ना आपको जो 10% में शामिल है। तो दोस्तों इस 3 प्लेटफॉर्म से मैं प्रभु की बातें रखता हूं, लोगों को सिखाता हूं। फेसबुक मेरा कुछ ऐसा है, यूट्यूब चैनल ऐसा, इंस्टाग्राम, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि प्रति 10 से 15-20 दिन के अंदर 2,000 लोग घरी शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको एक बात बताता चलो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने कहा, सेकुलर बात कर रहा हूं, बाहरी तौर पे बात कर रहा हूं, आत्मिक बात है या चर्च के या मसीह के लोगों की बात नहीं है, सेकुलर बात है। किसी ने कहा किसी रिपोर्टर से, आप लोगों का जो न्यूज चैनल चलता है उससे ज्यादा भरोसा लोग यूट्यूब पर कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर अपनी टिप्पणी अपनी बातें वो चाहे किसी भी टॉपिक पर क्यों ना हो, यूट्यूब वाले व्यक्तिगत तौर पे जो अपना अपना चैनल चलाते हैं वो बिल्कुल सटीक बात करते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले किसी के हाथों बिके हैं, किसी के दबाव में हैं, किसी के प्रेशर्स में अपनी रिपोर्ट को रखते हैं, उसमें मिलावट हो सकता है। और मैं इसको जोड़ना चाहूँगा उन सब लोगों से जो किसी संस्था के दबाव में वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लेकिन हम यूट्यूब वाले जो परमेश्वर की बातों को किसी लालच, किसी दबाव और किसी प्रेशर और संस्था के प्रोटोकॉल के दायरे में नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करते हैं। ऑनलाइन चर्च, आप जितने अभी जुड़ चुके हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, फेसबुक पे और रिकॉर्डेड वीडियो, आपको कहना चाहता हूं कि जरूर कनेक्ट हो, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का आपको, ओके डैनियल भाई क्या मिलावट या गड़बड़ करने वाले यूट्यूब पे नहीं है? बिल्कुल है, जिसकी मैं वीडियो बनाते रहता हूं कि यूट्यूब के गुंडों से सावधान रहो। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, किसी को 5 मिनट सुनिए, पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कितने पानी में। एक प्रचारक को अगर आप 5 मिनट सुनोगे आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि बंदा कितना सीखा है और इसकी क्या है औकात है। जैसे चावल का 2 दाना उठाने से पता चलता है कि चावल पक चुका है, पूरा चावल नहीं पकड़ते आप मुट्ठी में। या तो दोस्तों जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना अद्भुत काम यूट्यूब चैनल सोशल प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। और आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन लगा था, जहां पे पूरी की पूरी दुनिया लॉक हो चुकी थी, मसीहों की भी बात कर रहा हूं, चर्चेस बंद, पास्टर्स अपने अपने घर पर,
बाइबल टीचर्स अपने अपने घर पर, लेकिन ऐसे टाइम पे आज से चार साल, 4.5 साल पहले मसीह मंथन बैठक और ये डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म पे आपके बीच में बड़े डंके की चोट पे आकर प्रभु के वचनों को रखा और कितने ही हजारों लोगों को हम परमेश्वर के राज्य में ला पाए और उनको खरी शिक्षा में जोड़ पाए, और जिसके गवाह आप लोग सब हैं जो अभी मेरे साथ में जुड़े हैं। तो मैं आपका वेलकम करता हूं। अगर आप मसीह मंथन से जुड़ना चाहते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप हम चलाते हैं, इस नंबर पे कॉल करिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप से इसलिए जुड़ें क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते हैं, मैं कहां हूं, क्या हूं, कौन सी वीडियो आई है, क्या प्रोग्राम्स है, ए टू जेड, बच्चों की सभा, जवानों की सभा, महिलाओं की सभा, और प्रति रविवार सुबह से लेकर शाम को मुझ तक ऑनलाइन चर्चेस चलते रहते हैं। गोवा का चर्च है, दिल्ली का चर्च है, गुजरात का चर्च है, पंजाब का चर्च है, वेस्ट बंगाल का चर्च है, महाराष्ट्र के चर्चेस है, और ऐसे करके विदेशों में भी ऑनलाइन चर्चेस चलते हैं। और जिसके लिए आप लोग इन नंबरों पे कॉल करके आप जो हैं हमसे जुड़ सकते हैं और बातों को जान सकते हैं। डैनियल भाई, अगर हमने अपना चर्च छोड़ दिया तो क्या वो सब सुविधा आप दोगे? डंके की चोट पे बोलता हूं, जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। बच्चों का समर्पण, बपतिस्मा, मैयत, शादी, ये सब कुछ होगा ना। मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि अगर किसी को लगता है कि डैनियल भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए पैसों की भी जरूरत है, आर्थिक तौर पे हम किसी की जो है मदद कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोग अगर आप मंथली सपोर्ट के रूप में आगे आना चाहते हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं, प्लीज आइएगा। ओके ना दोस्तों, बेहद खुशी है यह बताते हुए कि जवानों की सभा शुरू हो चुकी है, और जिसके चलते मैं माफी चाहता हूं उन सभी लोगों से जो व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं और जूम पे कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो सिर्फ 100 लोगों की है, बट इसको हम लेकर जाना चाहते हैं 500। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो हमने रखा है मात्र 100 रुपए, तो जो व्यक्ति जुड़ता है और जो जुड़ चुका है, आप लोगों को इस नंबर पे कॉल करना है, जुड़ना है, और मात्र महीने का 100 रुपया आप देखकर जूम पर कनेक्ट हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि कैसी टीचिंग और क्या अद्भुत बातें आप लोगों को जो है यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो 12 जुलाई अगले महीने 12 तारीख को जुलाई के महीने में आपको ठीक रात 8 बजे शुक्रवार को अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप मेरे साथ में जुड़ेंगे। ओके नाउ, साथ ही साथ 5 जुलाई, इसका मतलब यह है कि अगला शुक्रवार, आप लोग जो मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जूम पर जो पास्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्पोक पर्सन्स हैं, फिजिकल वर्चुअल जो लीडर्स हैं, एडमिन्स, आप सबको जुड़ना है 5 जुलाई को। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस बात को जो है फॉलो करेंगे ना। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि मैं आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं 13 जुलाई को, जो कि सेकेंड सैटरडे आएगा अगले महीने का, और लिखा है कि एवरी मंथ सेकेंड सैटरडे, देख लीजिएगा। और बाकी जानकारी के लिए आप लोग फोन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग जो हैं मसीह मंथन बैठक के जो लोग और वो सभी जो खरी शिक्षाओं को सुनते हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सैटरडे फिजिकली, मतलब फेस टू फेस, आप यहाँ पर आ सकते हैं और परमेश्वर अपना काम यहाँ पर करता है। दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी से बात करूंगा। मैं डैनियल राज पूरे विश्व भर में खरी शिक्षाओं की मुहिम चला रहा हूं, जो जो भी हमसे जुड़ना चाहता है इस नंबर पे कॉल करें। साथ ही साथ आप जब बात को समझ चुके होते, आप जब सीख चुके होते, मेरी वीडियोस को देखकर आपको पता चल जाता, और आज का वीडियो भी आपको काफी कुछ बता देगा कि क्या चीजें और क्या नहीं है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप खुद बनाएं और मुझे उसमें जोड़े, लेकिन एडमिन के रूप में नहीं, और उस ग्रुप में आपको खुद सिखाना है, आप सिखाओगे, मेरी वीडियोस को लोगे, और या तो फिर उसमें वीडियो डाल दो, पोस्ट डाल दो, आपकी वॉइस क्लिप डाल दो, उनको टीच करो। और लेकिन दो चीज़ पे सबसे ज़्यादा टीच करना, और वह है कि दशमांश और रबा रबा, ये दोनों गलत है, ऐसे करके आपको उनको सिखाना है ग्रुप्स में। और जैसे ही, अब ये सबके लिए है, जैसे ही आप किसी को मिलते हो तो एक सवाल जरूर पूछेगा कि कितनी उन्नति कर रहे हो सही शिक्षाओं में, क्योंकि सेवक की उन्नति नहीं, आपकी उन्नति की बात हो रही है। ऐसा चर्च ढूंढिए जहां का सेवक आपकी उन्नति करवाता हो, ना कि खुद की।
इस वचन के हिसाब से परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि सेवक की उन्नति हो, परमेश्वर ने कहा कलीसिया की उन्नति, यानी सबकी उन्नति हो। अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा तो कलीसिया बदल दीजिए। आज कुछ तमाशे मैं देख रहा हूं, पंजाब से, महाराष्ट्र से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से, और भी कई क्षेत्र में वीडियोस बनते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स बना के डालते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे पापा जी, देखो हमारी मम्मी जी, मतलब पास्टर की पत्नी, आत्मिक पिता, आत्मिक माता, बकवास है ये। और फिर उनकी रील सामने आती है, पापा जी से प्रार्थना करवा लो, हमारे पास्टर कितने पावरफुल है, हमारी माता कितनी पावरफुल है, बकवास है ये। व्यक्ति को फेमस नहीं करना है, व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी भी बिगड़ सकता है। इसलिए यीशु ने बिल्कुल साफ कहा, मत्ती 24 का अगर आपको याद होगा 24, अच्छे फंस जाएंगे, भटक जाएंगे, उनको धोखा दिया जा सकता है। और दाऊद कहता है भजन संहिता में कि हाय उस पर जो मनुष्य पे भरोसा करता है। मसीह समाज में, मसीह दुनिया में ऐसा कोई ट्रैप चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है, और वो ये है कि इनसे प्रार्थना करा लो, ये पावरफुल है। रात को 10 बजे कुछ लोग आते हैं अपनी अपनी दुकान लेकर और कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा और मैं आपके लिए प्रभु से शब्द लाऊंगा, मैं आपके लिए आपकी आशीष लाऊंगा और ये मेरा अकाउंट डिटेल्स है, इसमें पैसे भेजो। बकवास है ये, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? और किसने कहा कि पैसे के शर्त पे आप अपनी मिनिस्ट्री चलाओ? किसने कहा कि प्रार्थना बिकती है? किसने कहा कि आशीष को खरीदा जा सकता है? ये तो पत्थरों के सामने जो अर्पण करते हैं उसको दंडवत करते हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन जीवते परमेश्वर का कॉन्सेप्ट एक ही है कि तुम मेरे बेटा हो, बेटी, और मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझसे बात करो सीधा। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें, परमेश्वर चाहता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत हो, ना कि उस सो कॉल्ड पापा और मम्मी के साथ। एक बीच में मैं वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा, बोला कि एक पंजाब का पास्टर है, कहता है कि सबसे बड़ी मिनिस्ट्री मेरी है। बकवास। और अगर ऐसी मिनिस्ट्री को जहां पैसे लूटे जाते हैं, ऐसी मिनिस्ट्री को जहां वन मैन शो हो रहा है, ऐसी मिनिस्ट्री को जहां लूसीफर काम कर रहा है, ऐसी मिनिस्ट्री को जहां गंदगी फैली हुई है, अगर ऐसी मिनिस्ट्री टॉप पर है तो हमको नहीं चाहिए। क्योंकि यीशु खुद कह चुके हैं और पौलुस खुद कह चुका है, ऐसे बहुत लोग आएंगे हे प्रभु बोलने वाले। और मुझे खुशी है, और आप लोगों को भी कहता चलूं कि हमको खुशी है कि हम ऐसी किसी संस्था के साथ, ऐसे किसी सेवक के साथ, ऐसे किसी चर्च के साथ नहीं जुड़े जहां यह सब चलता हो। हम उस कम लोगों में हैं जिसको यीशु ने कहा कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। तो दोस्तों, ऐसी कलीसिया जहां आपकी उन्नति नहीं हो रही है, फिर कहता बदल दीजिए उस चर्च को। आपका आत्मा का दान कलीसिया के लिए दिया गया है, ना कि सेवक के लिए, इस वचन के हिसाब से। आशा करता हूं कि आप लोग ये बात को समझ गए ना। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं समझता हूं कि परमेश्वर की अगुवाई से कुछ ऐसा, अभी जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैं डैनियल राज, ओके, इसको अलग तरीके से बोलता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम डैनियल राज को जो है फेसबुक और यूट्यूब पे खत्म कर देंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि उसको लोग ना सुने। अच्छा बेटा, हंसी आती है तुम लोगों की बकवास पे। बट परमेश्वर कहता है अगर तुम एक को रोकोगे दूसरा तैयार होगा, उसको रोकोगे तीसरा तैयार होगा। और इसी कड़ी में दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, जिसका नाम हमने रखा है D12। जी हाँ, 7 दिन 12 लोग, और जिसको मैंने नाम दिया है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। डिसाइपलशिप ट्रेनिंग होगी उसके अंदर, मंडे टू संडे ये वक्त, ये दिन होगा, सोमवार को आपको पहुंचना है, मैं बताऊंगा, और संडे को फिनिश, और आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मसीह मंथन बैठक की तरफ से आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फर्स्ट बैच पुरुषों का मात्र, फिर अगला बैच महिलाओं का मात्र, और तीसरा बैच ऐसा भी हो सकता है कि पूरा चर्च
12 लोगों का, जैसे सिस्टर एडलिन जी ने कहा छत्तीसगढ़ से कि हमारे 2 बैच हैं 12-12 के, हम आना चाहते हैं और आप ही लोगों का पहला बैच करेंगे हम। और जिसके चलते दोस्त, माफी चाहता, जिसके चलते दोस्तों 7 दिन का होगा, 7 दिन का 4 वक्त का खाना आपको दिया जाएगा, 2 BHK फ्लैट में आपका अकोमोडेशन होगा और ईच डे 3 सेशंस होंगे 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, आप टाइम देख लीजिएगा। और ऐसा कुछ फ्लैट में आप लोगों का रहने का अरेंजमेंट, भोजन का, रहन सहन का A to Z आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा। बट ये है टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको आप पॉज करके बाद में पढ़ लीजिएगा और जिसको मैं समझता हूँ कि बिना पूरा किए आप यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे। तो दोस्तों लिखा है कि इंडिया गेट रेडी फॉर साउंड डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, और इस नंबर पे आपको कॉल करना है। 7 दिन 12 लोग और फिर आएगा खरी शिक्षाओं का सैलाब। वाह, अमेजिंग। इसको हटा दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक चीज, या अभी ठीक है, ओके ना दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। और जितने अभी फेसबुक पर हैं, फिर से कहता हूं, खूब शेयर करो, खूब वॉच पार्टी करो, और जितना हो सकता है लोगों को इनवाइट करो और उनको कहो कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सीखने को मिल रही हैं, इसको पहले देख लीजिएगा, आस्क डैनियल राज। और बहुत ही सटीक तरीके से मैंने लिखा है कि फोन करिए और कंफ्यूजन दूर करिए इस नंबर पर। हाँ, पॉसिबल हो सकता है कि आपको मैं कभी कभी उपलब्ध ना हो, लेकिन वॉइस क्लिप भेज दीजिएगा, इसी नंबर पे व्हाट्सअप ग्रुप चलता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ सवाल, ऐसा कुछ सवाल, ऐसा सवाल, ऐसा सवाल, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ तक कि 42 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। पॉज करके आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये सब के ऊपर वीडियो बन चुकी है, इन सब के ऊपर वीडियो बन चुकी है, एक शॉट में मैंने वीडियो बनाई है, हालांकि डिटेल में नहीं बनाई लेकिन बना दिए ताकि आपका काम चल जाए। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि देखें, और साथ ही साथ अगर इनमें से कोई प्रश्न आपका है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं ना। दोस्तों मैं आता हूं एवरी संडे, प्रति रविवार ठीक शाम 7 बजे इस एड्रेस पे। जी हाँ, एड्रेस है ACF प्रेयर हॉल, अनुशक्ति नगर, देवनार, मुंबई। मैं इस एड्रेस पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई जो मुंबई में रहता है, चेंबूर, कुर्ला, घाटकोपर और वेस्टर्न सेंट्रल के किसी भी क्षेत्र में, या कम से कम महीने में एक बार, जिसको कहते हैं पहला संडे जब प्रभु भोज होता है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर आए। यहां पे कार पार्किंग की सुविधा है, एयर कंडीशन हॉल है, वॉशरूम है, और सब कुछ जो है पावर पॉइंट्स के साथ आप लोगों को टीचिंग यहां पे दी जाती है। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए ना। दोस्तों अब बात करते हैं आज के विषय की, लेकिन एक सेकंड दीजिए, और तब तक आप लोग खूब शेयर करिए, फिर से शेयर करिए, लोगों को इनवाइट करिए। थैंक यू। वाओ, इसको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद में बात करते हैं। और आशा करता हूं कि आप में से हर कोई इस चीज को समझ चुका है। ओके, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं ताकि, या अभी ठीक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों क्या आप तैयार हैं? जितने फेसबुक पर देख रहे हैं, आपको भी पूछ रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? मसीह मंथन बैठक के पास्टर्स लीडर्स, क्या आप तैयार हैं? ऑनलाइन प्रीचर्स, वर्चुअल पास्टर्स लीडर्स जो लीड करते हैं, क्या आप तैयार हैं? और जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपको भी पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं? मेरी रिक्वेस्ट है, कभी सुन लिया करो, क्या पता आपका जीवन बदल जाए। और यही वजह है प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय, 7 कलीसियाओं को 7 बार परमेश्वर की आत्मा को लेकर यीशु कहता है, यदि तुम आज उसकी सुनो
जिसके कान हो वो सुन ले। दिक्कत क्या है पता है? हम दूसरों को कहते हैं सुनते क्यों नहीं हो, बच्चों को कहते हैं सुनते क्यों नहीं हो। परमेश्वर आज मेरे द्वारा आपको कह रहा जो मुझे पसंद नहीं करते या मेरे विरोधी हैं। परमेश्वर कहता है कि डैनियल राज को एक बार सुनते क्यों नहीं हो? इतना डर मुझे नहीं सुनने का। और ऐसा ट्रैप लुसिफर ने आप लोगों के लिए आपके दिमाग में डाल दिया है कि अगर डैनियल राज को सुनोगे तो फंस जाओगे, जबकि परमेश्वर कहता है कि डैनियल राज को सुनोगे सुधर जाओगे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं यह बात को। क्यों? क्योंकि मैं बाइबल के बाहर बात नहीं करता। और एक बात ऐड कर देता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है, इसलिए मैं ये मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कलीसिया जागृत हो जाए। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, मेन लाइन, कोई भी डिनोमिनेशन, कलीसिया जाग जाए। पास्टर का आदर करना है, बिल्कुल करना है। पास्टर को रिस्पेक्ट करना है, प्यार करना है, उनकी सुनना है, बिल्कुल सुनना है। लेकिन एक साइड में आपको यह भी देखना है कि जिस पास्टर को मैं सुनने जाता हूं एवरी संडे 3 घंटा 4 घंटा, क्या वो बाइबल से है? आप आज के पास्टर की छोड़िए, पहली सदी के कुछ यहूदी लड़के पौलुस को चेक करते थे, पौलुस से बड़ा तो कोई पास्टर नहीं होगा आज की तारीख में। प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय वचन 11 लिखा है कि प्रतिदिन जब जब पौलुस को सुनते थे वो पौलुस को जांचते थे शास्त्रों से। मैं सब मुंबई की कलीसिया को, महाराष्ट्र की कलीसिया को, भारत के 29 राज्य के कलीसिया को और उन सभी कलीसियाओं को कहना चाहता हूं कि अपने अपने चर्च को आप लोग जो जाते हो वहां पे जागरूक रहिए जब आप खास करके प्रचार सुनते हैं। अपने पास्टर को चेक करो, अन्य भाषा के टॉपिक पे रबरबा पे चेक करो। दशमांश की जब शिक्षा देता है तो चेक करो। आपको नीचे गिराने की जब शिक्षा देता है तो चेक करो। अपने वर्शिप लीडर को चेक करो जब वो कहता है तेरा स्वागत हो, ऐसे सब बातों में चेक करो। क्योंकि बाइबल आपका जो लोकल पास्टर है उसको चेक करो कि वो बाइबल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो वचन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती 24:35। मेरा क्वेश्चन है, चर्च के लोग आप आंख बंद करके छल कैसे सकते हैं? एक होता है भक्ति और दूसरी होती है अंधभक्ति। एक होता है श्रद्धा और एक होता है अंधश्रद्धा। श्रद्धा रखो ना, भक्ति रखो, लेकिन अंधभक्ति और अंधश्रद्धा क्यों? जीसस कितनी बार बोल चुके हैं कि अंधे बन के मत चला करो, अंधा अंधे को गिरा देता है। दोस्तों, इस विषय पे जहां 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, मैंने इस विषय को आपके बीच में रखा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा मसीह समाज में वो क्या है। ये 21वीं सदी में प्रचारक का सही होना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज 21वीं सदी में प्रचारक का सही होना। यह सबसे बड़ा मुद्दा है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं फिर कहूंगा चर्च के लोगों को, क्या आपने जिस चर्च में आप जा रहे वो कोई भी डिनोमिनेशन, माता पिता की तरफ से चला, पूर्वजों से चला रहा हो, हर पीढ़ी से चला रहा हो, वो कैथलिक हो, कोई भी क्यों ना, जिस चर्च में आप जाते हैं उस चर्च के पास्टर को चेक करो क्या वो सही है। ऐसा क्यों? तो इसको पढ़िएगा, प्रचारक सही तो प्रचार सही। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्रचार सही आएगा, क्योंकि जब तक प्रचारक सही नहीं है सही प्रचार नहीं आएगा। इसको दिमाग में गांठ बांध के रखिएगा आप लोग, जिसको ऐसा कह सकते हैं ना कि किचन से आपका भोजन तब तक अच्छा नहीं आएगा जब तक बावर्ची सही ना हो। आपके प्लेट में रखा हुआ खाना उसमें नमक कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, मिर्ची मसाला XYZ, ये सब कुछ तय होता है उस प्लेट में जिसने खाना डाला है उस बावर्ची के ऊपर।
वैसे ही पुलपिट से, उस मंच से आपका प्रीचर, आपका पास्टर, आपका फेवरेट पापा, आपकी फेवरेट मम्मी, आपका फेवरेट फेवरेट अपोस्टल प्रॉफिट बिशप, उसको चेक करो, पास्टर जी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, उसको बोलिए रिस्पेक्ट अपनी जगह है पास्टर जी, लेकिन हम आपको जांचना चाहते हैं, आपकी टीचिंग को परखना चाहते हैं, आपकी बातों को चेक करना चाहते हैं और बाइबल से मैच करना चाहते हैं विथ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में, क्या वो सही है, आपका प्रचार सही है, ऐसे आपको चेक करना है, रिस्पेक्ट अपनी जगह। अगर वो पलट कर कहते हैं तुम अभी अभी आयो, तुम मुझे चेक करोगे, मेरी तो 30 साल से मिनिस्ट्री है, 40 साल की मिनिस्ट्री है, तुम होते कौन हो, उसी वक्त समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको बाइबल इजाजत देती है परखने की, पौलुस कहता है सब बातों को परखो, यूहन्ना में यूहन्ना कहता है हर आत्मा की प्रतीति मत करो, यीशु खुद कह चुके हैं कि तुमने परख लिया, एक रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2 में, कि वो झूठे प्रेरित हैं और तुम उससे अलग हो गए हो। मैं एक कॉन्सेप्ट चलाऊंगा बहुत जल्दी, उसको मैं आपको अभी से बता देता हूं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है #, दूर रहो। मैं वापस कह रहा हूं कि मैं एक कॉन्सेप्ट चलाऊंगा, हो सकता है कि उसके ऊपर मैं प्रोग्राम भी करूंगा फेसबुक पर आकर, यूट्यूब पर आकर, और उस प्रोग्राम का नाम होगा #, दूर रहो। #, दूर रहो किससे? दूर रहो जिब्रिश वालों से। #, दूर रहो किससे? दूर रहो दशमांश वालों से, नीचे उठापटक करते उनसे, लाफ्टर स्पिरिट के नाम पे आपको उल्लू बनाते हैं, घंटों आपको लोटपोट करवाते हैं। तो फिर वापस कहूंगा, क्या परमेश्वर ने नहीं कहा है परखो? बिल्कुल कहा। क्या पतरस ने नहीं कहा परखो? बिल्कुल कहा। क्या पौलुस ने नहीं कहा परखो? बिल्कुल कहा। क्या यीशु ने नहीं कहा परखो? बिल्कुल कहा। वाओ। तो दोस्तों, प्रचारक सही तो प्रचार सही, पुलपिट पे खड़ा व्यक्ति अगर सही तो उसके मुंह से शब्द निकलेगा सही। लिखा है क्योंकि जैसा समझोगे वैसा ही, जैसा समझेगा वैसा ही समझाएगा, क्योंकि जो जैसा समझेगा पढ़ते वक्त, जो जैसा समझेगा वचन को सीखते वक्त में, वैसे ही दूसरे को समझाएगा। तब लिखा है कि सारा खेल पढ़ने का और समझाने का है, सारा खेल पढ़ने का और समझाने का है। जो व्यक्ति कैसा पढ़ता है बाइबल को, कैथलिक वाला आएगा तो कैथलिक के हिसाब से पढ़ेगा, मेथडिस्ट वाला आएगा तो मेथडिस्ट के हिसाब से पढ़ेगा, पेंटिकॉस्टल वाला उसी के हिसाब से पढ़ेगा, कैरिस्मेटिक उसी के हिसाब से पढ़ेगा, बैप्टिस्ट वाला उसी के हिसाब से पढ़ेगा, इंडिपेंडेंट वाला उसी के हिसाब से पढ़ेगा, उसको जिसने जैसा सिखाया वो वैसा ही सीखेगा और वैसे ही सिखाएगा। मैं बीच में भी पूछ रहा था जवान बच्चों से कि बाइबल का बेस्ट इंटरप्रेटर कौन है। बाइबल का बेस्ट इंटरप्रेटर वो है जो खुद पढ़ता है। इसका मतलब क्या है? जो जैसा पढ़ेगा, जो जैसा पढ़कर उसको अनुवाद करेगा, वो वैसा ही सिखाएगा। बेस्ट से मेरा मतलब है उन लोगों के लिए। और तब जाकर यीशु कहते, मैंने यहां पे नहीं रखा है, लूका 10:26 में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। पौलुस कहता है लिखे हुए से आगे नहीं जाना, लिखे हुए से आगे नहीं जाना। तो दोस्तों, आपको बताता चलो, प्रचारक सही तो प्रचार सही। नाउ, इसको मजबूती देने के लिए मैं ये स्लाइड रख रहा हूं आपके बीच में। ओल्ड टेस्टमेंट में क्या होता था, मैं आपको बताता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट में क्या होता था। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों से बात करता था, और जब जब कोई गलत जाता था तो परमेश्वर अपने नबियों को तैयार करता था। तो लिखा है कि यर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, यहोवा की ओर से, यहोवा की ओर से। आज कौन किसकी ओर से कह रहा है? संस्था की ओर से। आज कौन किसकी ओर से कह रहा है? अपने पापा की ओर से। आज कौन किसकी ओर से कह रहा है? अपने फेवरेट पास्टर की ओर से। लेकिन परमेश्वर का शब्द कहां है? परमेश्वर की बातें कहां है? परमेश्वर की बातें कहां है? कितने लोग समझ रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूं? जितने फेसबुक पर है, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बात को समझिए। परमेश्वर चाहता है कि उसको ऐसे कुछ लोग मिले जो सही हो, ऐसे प्रचारक मिले जो सही हो, क्योंकि 21वीं सदी में बहुत गड़बड़ है। मैं रख रहा हूं पीछे, 21वीं सदी में बहुत गड़बड़ है, 21वीं सदी में बहुत गड़बड़ है। आज का ये दौर है ना, मैं आपको बताऊं क्या चल रहा है। बाइबल कॉलेज जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप बात कर रहा हूं। बाइबल कॉलेज जाते हैं, 3-3 साल बाइबल कॉलेज का स्टडी करते हैं, वहां से सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, खुद को पास्टर घोषित करते हैं, और बाप का चर्च या फिर किसी और का चर्च या फिर खुद चर्च स्टार्ट करते हैं ये कह करके मैं पास्टर हूं। और साथ ही साथ वो सब कचरा सिखाते हैं जो उनके बाइबल कॉलेज से आया, वो सब कचरा सिखाते हैं जो उनकी संस्था की तरफ से आया या उनके पापा की तरफ से आया। लेकिन ये अलग रह जाता है, ये अलग रह जाता है। और जब कोई उनके बीच में से कोई उठता है और उनको प्रश्न करता है तो कहते हैं कि तुम कौन होते हो सवाल करने वाले, पास्टर को तुमको रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तुमको पास्टर के अधीन रहना नहीं आता, तुम्हारे अंदर गलत स्पिरिट है, बकवास। बाइबल खुद कहती है कि अपने पास्टर को जांचो। हमको नहीं चाहिए मसीह की दिशा में, जिसको मैंने लिखा है क्या सबसे बड़ा मुद्दा है कि गलत प्रचारक लाखों की तादाद में सोशल प्लेटफॉर्म पर, चर्चेस के अंदर और न जाने कहां कहां खड़े हो गए। हम सबको यह समझना बहुत जरूरी हो गया। तब जाकर मैंने यह कहा था कि 21वीं सदी में प्रचारक का सही होना यह आज सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं इस वीडियो में इसी बात का खुलासा कर रहा हूं कि प्रचारक सही तो प्रचार सही, क्योंकि जो जैसा समझेगा वैसा ही समझाएगा, क्योंकि सारा खेल पढ़ने और समझने का है। ऐसे लोग कहां हैं आज, ऐसे लोग कहां हैं आज जो परमेश्वर की ओर से बातें कहते थे। हमको नहीं चाहिए संस्था की ओर से बोलने वाले, हमको नहीं चाहिए। आपके कानों में किसकी आवाज जाए, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके कानों में किसकी आवाज जाए। आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपको कनेक्ट करेगा मेरी बातों से। आर यू रेडी फॉर दिस? लूसीफर, मैं बात कर रहा हूं लूसीफर। और वहां खड़ी थी एक औरत, उसको नहीं सुनना था वो आवाज, लेकिन लूसीफर ने फुसफुस करके सांप के रूप में आकर उसके कानों में वो आवाज पहुंचाई जिसके चलते फंस गई, जिसके चलते वो फंस गई। आज बहुत सारे, बाइबल रिकॉर्ड करती है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12:11-13, 14-15, लूसीफर के ट्रांसफॉर्म्ड प्रेरित, लूसीफर के ट्रांसफॉर्म अपोस्टल्स मसीह की देह में आ चुके हैं। पौलुस कहते हैं अगर स्वर्गदूत का रूप लूसीफर ले सकता है तो उसके सेवक क्यों नहीं। लूसीफर सांप के रूप में फुसफुस करने गया था हव्वा के कान में, और हव्वा ने क्या किया, उसी आवाज को सुना और उसी को लेकर फुसफुस किया आदम के कान में। तो मैं फिर पूछूंगा, किसको सुन रहे हैं आज आपके कान, किसको सुनते 2-2, 3-3 घंटा? आज आप मुझे सुन रहे हैं ना, आप कैसे सुनते हैं? डैनियल राज को कैसे सुनते हैं आप? कौन सी आवाज आपके कानों में फुसफुस हो रही है एवरी संडे, एवरी सैटरडे, आपके बाइबल कॉलेज में, आपके फास्टिंग प्रेयर में, आपके उपवास में, और आपकी रात की प्रार्थना के सभा में? और जिसको कुछ लोग जो है ना, अपने लोगों को ऐसा उल्लू बना के रखे हैं कि मुझसे ही सुनना, बाकी किसी से नहीं सुनना। हद तो तब हो चुकी है कि लूसीफर ने लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया है, कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो तो बिल्कुल नहीं सुनना। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को और उनके चर्च के लोगों को, क्या घर आपके पास्टर ने कहा कि डैनियल राज को बिल्कुल नहीं सुनना? मैं चाहता हूं कि पलट कर पूछो क्यों नहीं, पलट कर पूछो क्यों नहीं, वजह क्या है? तुम इतने कमजोर हो, एक कॉन्सेप्ट डाल दिया है, वो भी गलत कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सुनोगे तो फंस जाओगे। अच्छा, ये भी तो पॉसिबल है ना कि अगर सुनोगे तो जहां फंसे हो वहां से निकल जाओगे, ये भी तो पॉसिबल है। लूसीफर क्या कहता है पता है? मेरी सुनो, मेरी सुनो, आपको प्रूफ दे दूं, 2 कुरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है, उसने लोगों को अंधा कर दिया है, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, उनके उनको इतना दूर कर दिया है, कौन से, किस चीज से? ग्लोरियस गॉस्पल से, चमकदार सुसमाचार से,
प्रकाशमय सुसमाचार से उनको दूर कर दिया। मत सुनो, क्लब जाओ, थिएटर जाओ, दारू पियो, ड्रग्स करो, नशा करो, नक्सलाइट बनो, आतंकवादी बनो, डाकू बनो, मर्डरर बनो। लूसीफर के अंदर यह ताकत है कि वो आपको दूर रख सकता है सुसमाचार से। यही तो पौलुस कहता है कि तुमको किसने भटका दिया कि तुम सत्य को ना सुनो। यही तो कहता है प्रकाशित वाक्य में यीशु जी कि कहता है कि यदि तुम्हारे कान है तो सत्य को सुनो। मैं चाहता हूं कि वो सभी कलीसियाएं जिस जिसके पास्टर ने कहा है कि डैनियल राज को मत सुनो, क्योंकि डैनियल राज वो है जो परमेश्वर की ओर से बातें करता है, तो पलट कर पूछो क्यों ना सुने। एक वजह दीजिए, और अगर वो वजह देते हैं अन्य भाषा का और दशमांश का या किसी और का, तो उनको पूछो कि पास्टर जी जो आप कह रहे हैं फिर हमको प्रूफ करके बताओ कि डैनियल राज गलत कैसे है। और अगर आपको इतना सा भी डाउट लगे, जाके मेरी वीडियो देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर्दा उठ जाएगा। यहूदियों के साथ में लूसीफर ने क्या किया पता है? अकॉर्डिंग टू 2 Corinthians 3:12-14 कहता है कि वो जब जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते, यीशु की बातें जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखी हैं, लेकिन वो समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी आंखों पर मूसा का दरमियान डाला हुआ पर्दा, मूसा का डाला हुआ पर्दा पड़ा है। लेकिन पौलुस वहां नहीं रुकते, कहते पर वो मसीह में उठ जाते हैं। मसीह में कब उठते हैं? जब मसीहों को सुनते हैं, सच्चे लोगों को सुनते हैं, वो पर्दा उठ जाता है। मैं ऐसे चर्चेस को कहना चाहता हूं जिस जिस चर्च के लोगों को यह कहकर रोक दिया गया है कि इस प्रीचर को मत सुनो, क्या पता कि वही प्रीचर तुमको बचा ले। माय गुडनेस, लुका 17 का 1 में क्या लिखा है, जो कि मैं नहीं पढ़वाऊंगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं है तो पढ़ लीजिएगा बाद में। लुका 17:1 में क्या लिखा है? लिखा है कि ठोकरों का लगना जरूरी है, पर हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। इसका मतलब क्या है कि लाखों लोग ठोकर खाएंगे, उस एक व्यक्ति की वजह से ठोकर खाएंगे। फिर यीशु आगे कहते हैं भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसको गहरे समंदर में डाल दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो वापस कभी किसी को दिखाई ना दे, ऐसे लोगों की बातें कभी किसी को सुनाई ना दे जो लोगों के लिए ठोकर का कारण है। आपको मैं फिर से वापस उसी स्लाइड पे लेके जाता हूं, इस वाले स्लाइड पे। आप जानते हैं 21वीं सदी में डेंजरस प्रीचर्स आ गए हैं, डेंजरस प्रीचर जो पब्लिक को अपनी तरफ खींचते, जो लोगों को ऐसा जिसको कहते हैं ना कि उनको अंधा बना देते हैं, उनको ऐसा बेहोश कर देते, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, उनको ऐसा बेहोश कर देते कि पागलों की तरह उसके पीछे चलते हैं। और अगर उनके पापा के विरोध में, अगर उनके पास्टर के विरोध में अगर आपने कुछ ऐसी बात कर दी जो बाइबल से संबंधित है, तो उनको वो इतने अंधे हो चुके कि वो फिर बगावत पे भी आ जाते हैं। आपने मेरे पास्टर को ऐसे कैसे कहा? और कुछ क्रिश्चियन तो ऐसे मसीह के दह में जो कहते हैं कि दोष क्यों लगाते हो, पागल दोष नहीं लगा रहे लेकिन सच बता रहे। एक होता है दोष लगाना और एक होता है सत्य बताना। अगर यीशु जी सत्य बताते थे, अगर तुम उसको दोष लगाना कहते हो तो फिर यीशु के पीछे क्यों चल रहे हो? अगर पत्रस सत्य बताते थे, अगर तुम्हारे हिसाब से वो दोष लगा रहा है, तो पत्रस की किताबें क्यों पढ़ते हो, पौलुस की किताबें क्यों पढ़ते हो? मेरा यह सवाल है आप लोगों से। मेरे जो पुराने दोस्त हैं वर्शिप के टाइम के मुंबई में, मेरे खुद के ब्लड रिलेशन के जो ब्रदर्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप ऐसे कैसे हो गए। मैं भी तो यही सवाल कर रहा था कई दिनों से कि परमेश्वर मैं ऐसे कैसे हो गया। तब परमेश्वर की बातें मुझे समझ में आई, ये परमेश्वर की आत्मा है, ये परमेश्वर की आत्मा है जो ऐसे लोगों को तैयार करता है ताकि हम 21वीं सदी में जहां बहुत सारे डेंजरस प्रचारक आ गए, उनके उनको ठीक करने के लिए ऐसे लोग खड़े हो जाएं। किसी ने मुझे कहा कि डैनियल भाई, आप आपका जो प्रीचिंग का तरीका है ना, वो बाकी पास्टरों की तरह नहीं है। नहीं होगा मेरे भाई, आपको मैं अभी बता रहा हूं, पहले भी बता चुका और आगे भी बताता रहूंगा, नहीं मैच करूंगा मैं उन लोगों के साथ, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता। मेरे अंदर जो आत्मा है और जिसने मुझे बदला है, मैं उनकी तरह कभी नहीं बन सकता।
तब जाकर पौलुस कहता है कि इनको कानों की खुजली के हिसाब से प्रचारक चाहिए, तो मैं तुम्हारी कानों की खुजली को ठीक करने वाला प्रचारक नहीं बन सकता। मैं नहीं बेच सकता तेल भाई, मैं नहीं बेच सकता कपड़ा रुमाल, मैं नहीं हाथ रख सकता तुम्हारे ऊपर 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए, मैं नहीं कर सकता। मैं बाइबल के बाहर आपको तसल्ली देने के लिए ऐसा प्रचार नहीं कर सकता कि आपको अच्छा लगे। मैं ऐसा पास्टर नहीं बन सकता जो चर्च के लोगों को खुश करने के लिए वो सब कुछ करता चला जाए, थिएटर भी चला जाए, पिक्चर के गाने के अलाउ करे, उसके ऊपर जो डांस होते वो चर्च के पुलपिट पे अलाउ करे। मैं ये सब नहीं कर सकता। परमेश्वर की आत्मा के नाम पर मैं मजाक चर्च में नहीं उड़ा सकता। ऐसी कोई भाषा जो पवित्र आत्मा की नहीं है चर्च में अलाउड नहीं कर सकता। मैं ऐसे पुलपिट पे परमेश्वर का तमाशा होते हुए नहीं देख सकता। यही वजह है कि मैं सबसे अलग हूं। और अगर जो मुझे सुनते हैं उनको आदत डालनी पड़ेगी। जैसे यीशु के पीछे जब लोग चलते थे, यीशु पलटकर साफ कह दिए, लूका की किताब उसका 13 अध्याय वचन, अगर मैं गलत नहीं हूं, माफ करना, 14 अध्याय वचन 25 से यीशु ने साफ कहा, अगर किसी को मेरे पीछे आना अपना क्रूस उठाए। यीशु को भीड़ नहीं चाहिए थी, तो मुझे भी भीड़ नहीं चाहिए। हमको ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के वचन को सही से सुन सके। जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अभी जो मैं अगला स्लाइड रख रहा हूं उसको समझिए। देखिए क्या लिखा है, लिखा है 20 में, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो, संस्था के साथ नहीं, आपके पापा के साथ नहीं, आपके फेवरेट प्रीचर के साथ में नहीं, अफ्रीका अमरीका सफेद कोट वाला उसके साथ नहीं, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की बात करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने राजदूत को भेजता हूं जो मेरी तरफ से बात करेगा। तो डैनियल राज अभी सोशल प्लेटफॉर्म पर, अभी एवरी सैटरडे संडे, सैटरडे टू सैटरडे ठीक रात 8 बजे आपके बीच में आकर किसके तरफ से बात करता है? परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से। इसको रखकर मैं आपको कुछ समझा देता हूं। जानते हो यह वचन मुझे क्या बता रहा है अभी? जानते हो यह वचन पौलुस जब लिख रहा था तो क्या बता रहा था? परमेश्वर कह रहा था पौलुस के द्वारा कि तुझे ऐसा बनना होगा जो मेरी तरफ से बात करे, तुझे ऐसा प्रचारक बनना होगा जो मेरी तरफ से बात करे, जो बातें मैं रखना चाहता हूं वो बातें तू रखे। जबान तेरी होगी, शरीर तेरा होगा, आवाज तेरी होगी, लेकिन शब्द टॉपिक मेरा होगा, मुद्दा मेरा होगा, टीचिंग मेरी होगी। तेरे मुंह से शब्द तेरा नहीं, मेरा निकलेगा। 21वीं सदी में ऐसे प्रचारक कहां है आज? आप खुद बताइए ना, ऐसे प्रचारक कहां है आज? मैं सबको पूछ रहा हूं, ऐसे प्रचारक कहां है आज? सब खुश करने पे लगे, सब दूसरों को खुशी देने में लगे, गेम्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहे हैं, पिकनिक चल रहा है, इंटरटेनमेंट चल रहा है, वो भी आधा का आधा पूरा संसार चर्च में घुस गया है। ऐसे प्रचारकों ने अपने चर्च को मिलावटी चर्च बना दिया, जिससे यीशु नफरत करता है, जिससे यीशु घृणा करता है, डिस्गस्टिंग, नफरत करता है यीशु। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अविश्वासियों को समझाना है तो परमेश्वर के तरीके से, विश्वासियों को समझाना है तो परमेश्वर के तरीके से, चर्च को समझाना है तो परमेश्वर के तरीके से। फिर से कहता हूं, आप राजदूत हैं और राजदूत अपने शब्द नहीं बोलता, राजदूत अपना स्टेटमेंट नहीं देता, राजदूत अपना प्रोटोकॉल नहीं बनाता, राजदूत राज्य का प्रोटोकॉल फॉलो करता है। राज्य का प्रोटोकॉल फॉलो करता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, एक व्यक्ति को रख रहा हूं जो बरसों से बाइबल पढ़ रहा था, जो बरसों से एक आयत को पढ़ रहा था लेकिन समझ नहीं पाया, जिसको कहते हैं कूश देश का मनुष्य खोजा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में यूनक, जिसको सही समझ नहीं थी किसके प्रति? मसीहा के प्रति। कौन सी चैप्टर पढ़ रहा था? आइज़ाया 53, आइज़ाया 53 पढ़ रहा था लेकिन नहीं समझ रहा था। जितने फेसबुक पर देख रहे हैं वॉच पार्टी जारी रखिए, जितने फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर करना जारी रखिए, जितने फेसबुक पर देख रहे हैं दूसरों के साथ में इस आज की जो टीचिंग है इसके लिंक कॉपी करके शेयर करना जारी रखिएगा।
मैं वापस कहता हूं कि तुम्हारे हाथ को लूसीफर रोकेगा, मत रोको। परमेश्वर चाहता है कि ऐसी बातें लोगों के कानों तक जाए। इस व्यक्ति को जिसको कहते हैं खोजा, यूनक, मसीह को नहीं समझा, बरसों से आ रहा है चर्च में, मतलब उस वक्त के यरूशलेम के सिनेगॉग में, भवन में बरसों से जा रहा है, एक व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे टाइम पे परमेश्वर का एक स्वर्गदूत को, जो कि इसके साथ होगा, क्योंकि इब्रानियों उसका 1:13-14 कहता है जो उद्धार पाते उनके साथ में एक स्वर्गदूत होता है, तो ये वो स्वर्गदूत जो यशायाह की किताब को पढ़ते हुए इसको देख रहा होगा, जैसे कॉर्नेलियुस की बात अभी मैं रखूंगा, उसके पास में भी एक स्वर्गदूत आया और इसको लीड करता है कि तेरे अंदर चाहत है, तेरे अंदर तड़प है इस मसीहा को जानने की, लेकिन तू कंफ्यूजन है कि ये कौन है, यशाया खुद की बात कर रहा है या फिर किसी और की। तब स्वर्गदूत आता है और फिलिप को कहता है फिलिप कौन है, सीखा हुआ, फिलिप कौन है, संस्था वाला नहीं है, फिलिप कौन है, राज्य का प्रचारक है, फिलिप कौन है, परमेश्वर के राजदूत, राज्य की बातें करने वाला ये फिलिप है। डैनियल राज कौन है, राज्य की तरफ से बात करना, डैनियल राज कौन है, परमेश्वर के राज्य का दूत जो परमेश्वर की ओर से लोगों को समझाता है। और ऐसी ही झुंड और ऐसी ही D12 मैं शुरू करूंगा अगस्त के महीने में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। राजदूत जो फिलिप था, जो समझ चुका था कि यीशु कौन है, जिसको बात करना आता था, जिसको समझाना आता था, क्योंकि इसने सही पढ़ा था और सही समझा था, सही समझाएगा। तो स्वर्गदूत कहता है, लिखा है कि फिलिप्पुस से कहा उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। ये व्यक्ति अपने रथ पर बैठा, मंदिर से, भवन से सब कुछ खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था और जानते हो कुछ पढ़ रहा था। लिखा है वह उठकर चल दिया, देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था, खुशियों की रानी का कंदाके का मंत्री, खजांची यानी कि ट्रेजरर, भजन करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। जब यूथ मीटिंग में मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा ये वो व्यक्ति है जो रथ पर बैठ के वाइन नहीं पी रहा है, रथ पर बैठ के सिगरेट नहीं फूंक रहा है, रथ पर बैठ के टाइम पास की बातें नहीं कर रहा है अपने घोड़सवार से, रथ पर बैठकर जंगल के नजारों को और जंगल के जंगली जानवरों के फोटो नहीं खींच रहा है। वो बात अलग है कि तभी फोटोज नहीं थे, बात को समझिए। लिखा है बाइबल पढ़ रहा था, यशाया की किताब पढ़ रहा था। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने मसीह में लोग हैं, मसीह मंथन के लोग हैं, मसीह जनता के लोग हैं, खरी शिक्षा के फॉलोवर्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, आप लोग क्या करते हैं जब आपके पास टाइम होता है? आप बस में बैठे हैं तो बाइबल पढ़िए ना, टैक्सी, ओला माफ करना ऊबर में बैठे हैं तो बाइबल पढ़िए ना, फेसबुक और यूट्यूब की रील्स क्यों देखते हो? आपको पता चल गया है कि आपके पास में टाइम है, ऑफिस में काम करने वाले, स्कूल कॉलेज में काम करने वाले या जाने वाले, आपके घर के ऊपर, घर के अंदर हाउसवाइफ, आप जो घर पे रहते हैं बुजुर्ग, यूथ, आपको जब पता चल गया कि मेरे पास में आधा घंटा, एक घंटा है, तो उस वक्त का यूटिलाइज क्यों नहीं करते जैसा ये कर रहा है? वाओ, फुर्सत नहीं है आज बाइबल पढ़ने की, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, मैं रखूंगा आगे, आपका जो दिमाग है ना वो ऐसा बन चुका है, आपको लगता है खत्म, अब मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, अब मेरे खुद की जो डिजायर है उसको पूरा करना है, और उसके चलते आप क्या करते हैं, परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं। इस प्लैनेट पे आप जिंदा हो उसकी मेहरबानी से, इस प्लेनेट पे आप हवा खा रहे हो, एयर, हवा, उसकी मेहरबानी से, इस प्लेनेट पे जो सब्जियां, फल फ्रूट उगते हैं उसकी मेहरबानी से आप जिंदा हैं, आपका दिल का धड़कन बिल्कुल ठीक चल रहा है, दोनों किडनी सलामत है, आपका ब्लड बन रहा है, आपके हाथ पैर मजबूत है, रात को नींद आपको अच्छे से आती है, सुबह उठते हो उसकी मेहरबानी से, और उसी के लिए वक्त नहीं है, क्या शर्म की बात है।
सोच के देखिए आप, क्या शर्म की बात है। आजकल के जवानों से कहना चाहता तुम्हें बड़ा फुर्सत मिल जाता है बाकी सब कुछ करने में, लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि आपकी जिंदगी कितनी कीमती है। उस मसीहा को आपकी जरूरत है। जितने अभी मुझे देख रहे हैं, आपने खूब टाइम पास कर लिया, डैनियल भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे मेंटर गलत मिल गया, मुझे पास्टर गलत मिल गया, मुझे चर्च गलत मिल गया, तो बदलो ऐसे पास्टर को, मेंटर को, अपोस्टल को, चर्च को बदलो, जहां तुम प्रभु के नजदीक जा सकते हो ऐसे चर्च को ज्वाइन करो, ऐसे सेवक को सुनो, ऐसे पास्टर को अपना मेंटर बनाओ जो आपको परमेश्वर से जोड़े ना कि खुद से। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक। वचन 30 को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है फिलिप्पुस ने उसे उस और दौड़कर उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या समझता भी है। इसका मतलब क्या है कि जब ये बैठे बैठे पढ़ रहा था ना, तो लिखा है कि वो जोर से पढ़ रहा था। कैसे? क्योंकि फिलिप सुन पाया कि ये क्या पढ़ रहा है। वाओ फिलिप सुन पाया कि ये क्या पढ़ा। इसका मतलब ये है कि जो रथ पर बैठा खोजा है ना, वो धीमे से नहीं पढ़ रहा है, वो कैजुअली नहीं पढ़ रहा है, ऐसे नहीं पढ़ रहा है, वो फोकस करके पढ़ रहा है। ये तो ऐसा है ना कि किसी को आपके नाम पे लिखी हुई प्रॉपर्टी के पेपर मिल गए, आपके नाम पे लिखा हुआ प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा क्या क्या है वो पेपर मिल गया, और ऐसे टाइम पे आप कैसे पढ़ते मेरे दोस्त? बहुत ध्यान से फोकस करके पढ़ते हैं, और क्या क्या एक एक शब्द मिस ना हो ऐसे पढ़ते हैं। फिलिप सुन रहा था कि खोजा क्या पढ़ रहा है। 31 उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। इसका मतलब है कि यहां खेल है समझाने का और यहां खेल है समझने का। मैंने वही तो कहा था कि अगर प्रचारक सही है तो प्रचार सही होगा, क्योंकि जो जैसा समझेगा वैसे समझाएगा। बताइए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि स्वर्गदूत ने फिलिप को क्यों भेजा? क्योंकि स्वर्गदूत को पता था। और साथ ही साथ यहां 29 को वचन नहीं रखा है मैंने, 29 वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को भी पता था कि फिलिप ही है जो इसको सही से समझा सकता है। इसको देख लीजिएगा, किसी को समझाने के लिए खुद का पूरी तरह से समझना जरूरी है। तो ये जो फिलिप भाग रहा है ना, ये जो फिलिप भाग रहा है और ये जो पढ़ रहा है ना, फिलिप ने सुना और पूछा क्या तू जो पढ़ रहा है समझता है? तब ये कहता है कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं क्यों कर समझूं। तो स्वर्गदूत ने कहा भाग, पवित्र आत्मा ने कहा भाग, इसको समझा। इसका मतलब है दोस्तों कि फिलिप के पास में सही टीचिंग थी, फिलिप के पास में सही समझाना था। मैं वही तो कह रहा हूं, क्या आज आपका पास्टर फिलिप है? क्या आज आपका अपोस्तल फिलिप की तरह है जिसको परमेश्वर की आत्मा ने आपके लिए भेजा कि जाके समझाओ? क्या आपका डैनियल राज आज फिलिप की तरह है? क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे जिसको तुम फॉलो करते हो क्या वो फिलिप की तरह है जिसको परमेश्वर ने भेजा है? और मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर ने भेजा ना, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता इस व्यक्ति का उद्धार करने में। या दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? एक लड़का है जिसके बारे में यह लिखा है, स्टीफन लिखा है, परंतु उस ज्ञान का, उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। क्यों? क्योंकि ये जो बातें करता था ये परमेश्वर की आत्मा थी जिससे फिलिप बात कर, माफ करना स्टीफन बात करता था। वाह कैसे लग रहा है? आज मेरी बातें क्यों मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मेरी बातें संस्था की बातें नहीं है, क्यों कहता हूं? यही तो वजह है, यही तो वजह है कि मेरी बातें संस्था की नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की बातें। जिसको आपने अभी नोट भी किया होगा, जितने लोग मुझे शायद पहली बार सुन रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, वाह मेरी प्रार्थना है इस वक्त में कि जितने लोग देख रहे हैं इसी वक्त परमेश्वर आपको बदले, आपको गलत प्रचारकों के हाथ से बाहर निकाले, आपको गलत संस्था के तरफ से बाहर निकाले, संस्था के अंदर से माफ करें। एक व्यक्ति की और बात करता हूं, उसका नाम है कॉर्नेलियस।
कॉर्नेलियुस, इसके पास भी स्वर्गदूत आया और कहा याफा में मनुष्य भेजकर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिमोन पत्रस, उसको बुलवा ले। बोला वो क्यों? क्योंकि इसी के पास में है सही बातें, इसी के पास में है सही वचन। तो दोस्तों फिलिप, स्टीफन, पत्रस, ये तीन ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर भेज रहा है, ये ऐसे लोग थे जिनको प्रभु बता रहा है। बात कर ओल्ड टेस्टमेंट में यर्मिया, जिसको परमेश्वर कहता है बात कर, मेरी तरफ से बात कर, और दूसरा ग्रंथ 5:20, हम राजदूत हैं मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझा रहा है। मैंने बीच में प्रचार किया था 3 नबियों के बारे में, अगर आपको याद होगा, 3 भविष्यवक्ता, ओल्ड टेस्टमेंट का मूसा, न्यू टेस्टमेंट का जीसस, 21वीं सदी के आप और मैं। उस वक्त में उनको जबान दे दी शब्द के लिए, परमेश्वर का, मूसा ने दे दी परमेश्वर का शब्द, यीशु ने दे दी परमेश्वर का शब्द बोलने के लिए। आज हमको भी अपना जबान दे देना ताकि हम परमेश्वर का शब्द बोलें। बताइए तो दोस्तों लिखा है कि उसको बुलवा ले, क्यों? वचन 6 को पढ़ते, वह शिमोन चमड़े धंधा करने वाले के यहां पहुना था जिसका घर समुन्दर के किनारे था। उन्होंने कहा, कॉर्नेलियुस सुबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला है, सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलवाए, तुझे अपने घर बुलवाए। क्या करे? वचन सुने, तुझसे वचन सुने। बताइए तुझसे वचन सुनने के लिए तुझे घर बुलवाया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने आज किसको घर पे बुला लिया? आपके घर पे कौन से पास्टर आ रहे वचन सुनाने के लिए, और किस तरीके के आ रहे जो आपको सही प्रचार करे ना कि गलत? एक लाइन आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, ऐसे किसी पास्टर को, ऐसे किसी ऑनलाइन प्रीचर को, ऐसे किसी सेवक को, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ऐसे किसी सेवक को मत सुनो जिसके मुंह से जिब्रिश निकलता हो। दूसरे शब्दों में, जो जिब्रिश यानी रबा रबा के कॉन्सेप्ट को मानता हो, और साथ ही साथ भेंट का सेवक हो जिसके मुंह से दशमांश का टॉपिक, पैसे की बातें, आशीष बीज की बातें, ऐसे किसी को मत सुनो, ऐसे किसी को अपने घर पे मत बुलाओ, ऐसे किसी की आवाज को अपने कानों में मत जाने दो। ये लूसीफर का फुसफुस है जो ईव को फंसा दिया, ये ईव का फुसफुस है जो आदम को फंसा दिया। सोच के देखिए आप, और मैं ताज्जुब हूं कि 5 साल पहले अन्य भाषा को लेकर लोग क्या करते थे, रिपीट करो मेरे पीछे, रिपीट करो, रबर 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 रिपीट करो। जब से मैं मार्केट में आ गया और जब से मैं खरी शिक्षाओं को लेकर खड़ा हो गया ना, अब ये लोग क्या कहते पता है, रिपीट मत करो, जो प्रभु देता है वो बोलो। अब ये सुधर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कहना शुरू किया, और डॉक्टर शिबू थॉमस तुमने भी इस बात को कबूल किया है कि पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, हालांकि वो भी गलत है जो प्राइवेट में बोलते हैं या पर्सनल बोलते हैं, वो भी गलत है क्योंकि रबा रबा है ही नहीं। लेकिन सुधार देखिए, सुधार देखिए आप, असर हुआ है, असर हुआ है। और जो दशमांश के नाम पे गुंडागर्दी करते थे ना सेवक लोग अपने अपने चर्चों में, अब उसमें भी सुधार आया। और ये वजह इसलिए है क्योंकि हम जैसे 10% मार्केट में आज खड़े। तो किसको घर पे बुला लेते हो? ऐसे किसी को घर पे मत बुलाओ, और ऐसे किसी के घर पे मत जाओ जो बकवास की टीचिंग देता हो। ऐसे किसी चर्च में मत जाओ जो पुलपिट पे खड़ा होकर प्रभु की बातें कम और अपनी बातें ज्यादा बोलता हो। कुछ लोग कहते मेरा पास्टर इतना जोक करता है, हमको खूब हंसाता है, 2 घंटा कैसे चले जाते हमको पता ही नहीं है। मेरे दोस्त, तुम बहुत बड़े भूल में हो, जो मजा तुमको वहां से आता है ना, उससे लाख गुना मजा तुमको परमेश्वर के वचन से आएगा। मद से भी मीठा, मद से भी मीठा तेरा वचन, सोने कुंदन से भी बढ़कर तेरा वचन ना। जब आप ये बातों को सुन रहे हैं ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊं। पहले फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए। ओ ओ या ये फोटो देख लीजिए दोस्तों,
जितने फेसबुक पर हैं प्लीज शेयर करिए, खूब वॉच पार्टी करिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद ये लाइन रखा हूं मैंने, अगर आज आप 20 साल के हो तो अगला 20 साल खुद को कैसे तैयार करोगे। मैंने जवान बच्चों को यह सिखाया था, अगर आपकी उम्र 30 है तो 20 साल के बाद खुद को कैसे तैयार करोगे, 20 साल के बाद खुद को कैसे देखोगे, आप 50 साल के हो तो 70 साल के बाद खुद को कैसे तैयार करोगे, 18 साल के 15 साल के हो तो कैसे तैयार करोगे। डैनियल भाई क्यों, मैं आपको बताता हूं, 2024 जब आया था और वो आखिरी रात 2023 दिसंबर 31 की आखिरी रात, जैसे ही मैंने प्रीच किया था मैंने वो रात को कहा था 2024 बहुत कठिन होने वाला है, बहुत मुश्किल से बीतने वाला है। अब देख लीजिए ऐसी ऐसी बातें हो रही है ना आजकल कि मैं क्या बताऊं आपको। तो 20 साल, अगर 20 साल का लड़का अभी मुझे सुन रहा है, लड़की, थर्ड जेंडर जो भी आप लोग हैं, खुद को 20 साल के बाद कैसे तैयार करोगे, उसकी वजह क्या है, डैनियल भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये है वजह। सब उपदेशक भारा का एक लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को याद रख, अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए जिनमें तू खुद खुद से कहे मेरा मन परमेश्वर में नहीं लगता, मेरा मन नहीं लग रहा है। इसलिए कहा, आपको पता है बेड़ा गर्क क्या है आज, एक तो 21वीं सदी में ढंग के प्रचारक नहीं है, एक तो 21वीं सदी में ढंग की संस्थाएं नहीं है, एक तो 21वीं सदी में ऑनलाइन में भी कचरा भरा हुआ है, ढंग के प्रीचर नहीं है, और उसके बाद ऐसे वर्ष और ऐसे दिन आने वाले जिसको परमेश्वर का लेखक कहता है कि ऐसे ऐसे लोग खुद से बात करेंगे। मैं पहले इतना बाइबल पढ़ता था, आजकल क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं चर्च में जाने के लिए पहले खड़ा हो जाता था, उठ जाता था, आजकल क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो घंटों बाइबल प्रार्थना में वक्त बिताता, आजकल क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे दिनों का शिकार हो जाएंगे। ये फोटो देख लीजिए, आप जब लेखक जब माफ करना लेखक जब यहां था ना एक्सक्यूज मी लेखक जब यहां था ना तो उसने यहां की बात करी थी, विपत्ति के दिन और वो वर्ष। यहां से आप अभी यहां पहुंच चुके हैं, जब यहां का दौर था ना इतनी विपत्ति नहीं थी, इतना टेम्पटेशन नहीं था, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं था, थिएटर्स बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। तब जाकर देखो क्या लिखा है, लिखा है इफिसियों 5:15-16, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानी की नाई चलो, ऐसा क्यों, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। किसने कहा था ये देखो, ऐसे दिन आएंगे जिसमें तू खुद कहेगा मेरा मन परमेश्वर में नहीं लगता, वो दिन आ चुके। आज कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी, आज कौन सी दुनिया में जी रहे, आधुनिक दुनिया, आज कौन सी दुनिया जहां पर सब कुछ फास्ट है, डेटा ऐसा आ चुका है टक करके ओपन होता है आपका फाइल, बफरिंग का वक्त जो था ना आज आप उसको भूल चुके, बफरिंग क्या चीज है नहीं पता आज किसी को, बफरिंग समझते ना जो चक्री घूमती है रोल रोल, वो जमाना जा चुका है क्योंकि डेटा फास्ट हो चुका है, इंटरनेट फास्ट हो चुका है, वाईफाई फास्ट हो चुका है, 5G चल रहा है अभी। बताइए, तो लिखा है कि निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमान, तो इसका मतलब क्या है, इसको देख लीजिए, हर विश्वासी को बुद्धिमान होना होगा, स्कूल में जाने वाले लड़के तुझे बुद्धिमान होना होगा कि कितना तेरी लिमिट है और कितना नहीं, स्कूल का जो फ्रेंड है ना उसके साथ जब टिफिन शेयर करते हो, उसके साथ जब बेंच शेयर करते हो, उसके साथ जब कॉपी शेयर करते हो, किताबें शेयर करते हो, तो तुमको एक पतली लाइन खींचनी है कि मैं इस तेरे साथ कितना बैठ सकता हूं, तेरे साथ कितना बातें कर सकता हूं, तेरे साथ कितना जा सकता हूं, दोस्ती करना है बिल्कुल करना है, उसके साथ खेलना है बिल्कुल खेलना है, स्कूल की बात कर रहा हूं, लेकिन साथ में तुझे यह भी पता लगाना है कि तू निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमान बने। वाह,
असर पड़ता है लोगों की अविश्वासियों की बातों का, बिल्कुल पड़ता है। इसलिए तो पौलुस ने कहा ना, पहला कुरिन्थियों 15:33 में उसने क्या कहा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, जबकि ताकत है अच्छी संगति में, ताकत नहीं है बुरी संगति में, बिना ताकत की बुरी संगति ताकत वाले चरित्र को बिगाड़ने की ताकत रखती है। बताइए, जब आप कॉलेज जाते हो तो कैसे रहते हो? किसी की गर्लफ्रेंड है वो अपनी चर्चा कर रहा है, किसी का बॉयफ्रेंड है वो अपनी सहेली के साथ चर्चा कर रही है, और आप एक विश्वासी हैं लड़का लड़की, तो तुझे बुद्धिमान के साथ रहना है। जब तुम्हारे पास कोई आकर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान की नई मूवीज की बात करता है, दीपिका पादुकोण पता नहीं कौन कौन से हैं, जब उसकी चर्चा करता है, तो आपको बुद्धिमान होना है कि मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अनिल, मेरे सुनील, मेरी अनीता, मेरी सुनीता, मैं तेरे साथ में उस लिमिट तक नहीं जा सकती। अगर किसी ने कहा कि एक तो बनता है, तू मेरा दोस्त है, एक बार पी के देख क्या मजा आएगा, तेरा सारा टेंशन चला जाएगा, एक सिप तो मार ले दारू का, सिगरेट का, ऐसे टाइम पे आपको बुद्धिमान बनना है, उसको बिल्कुल साफ कहना कि देख मेरे भाई, दोस्ती अपनी जगह, रिश्तेदार अपनी जगह, मैं अपनी जगह, परमेश्वर का वचन अपनी जगह, मैं इस लिमिट तक आ सकता हूं, उसके बाद नहीं आ सकता। ऐसी आइडेंटिटी क्यों नहीं बनाते, ऐसी पहचान क्यों नहीं बनाते? मैं सबको पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं कि टाइम हो रहा है, लेकिन सुनिए मुझे, मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या तुम अपने स्कूल कॉलेज में बुद्धिमान हो? क्या तुम अपने ऑफिस में बुद्धिमान हो? ऑफिस की बात निकली तो मैं बता दूं आजकल क्या चल रहा है ऑफिस में। जब बॉस खुद कहता है पूरे 5 दिन हम काम करेंगे, खूब स्ट्रेस हो जाता है, खूब चिंता बढ़ जाती है, खूब थकान आ जाती है, हम एक काम करेंगे, एवरी सैटरडे हम पार्टी की योजना बनाएंगे, वीकेंड जिसको कहते हैं, पार्टी मनाएंगे, दारू पिएंगे, बियर पिएंगे, पिकनिक जाएंगे। आजकल ये चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे स्विमिंग पूल के साथ में ना, लोनावला, गोवा, ऐसे स्विमिंग पूल के साथ में बंगलोज बन रहे हैं जिसको रेंट पे दिए जाते हैं, एक एक व्यक्ति के पीछे कुछ 2,000-3,000 पता नहीं कुछ है, और ऐसे करके 10-15,000 में आप लोग जो है ग्रुप बनाकर जाकर एंजॉय करके आ सकते हैं। स्विमिंग पूल भी हो जाता है, नशा दारू भी हो जाता है, वे विचार भी हो जाता है, और पार्टी करके फिर वापस अपने मंडे से फिर अपना काम शुरू। तब जाकर लिखा है 2 तीमोथी 3:1 में, पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और वो कठिन क्या है, वचन 4 कहता है सुख विलास ही की चाहने वाले। हमको प्लेजर चाहिए डैनियल भाई, हमको सुख चाहिए डैनियल भाई, आपके प्रीचिंग में तो डांट है, आपकी प्रीचिंग में तो वार्निंग है, आपकी प्रीचिंग में तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहो ऐसी बात है, लेकिन मेरा पास्टर कहता है कभी कभी जा सकते हो थिएटर, कभी कभी पिक्चर का गाना सुन सकते हो, उसमें क्या है, चलता है। बताइए, चलता है। अच्छा, एक दिन यीशु भी कहेगा चलता है। ये फोटो रखकर आपसे कुछ बातें करूंगा, पहला फोटो देख लीजिए आप लोग। थैंक यू लॉर्ड। कहते हैं चलता है सुख विलास की दुनिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक वक्त था जो पर्दे के पीछे होता था ना, वो आजकल पर्दे के बाहर आ चुका है, मतलब पर्दा उठ चुका है, बिहाइंड द कर्टन होता था ना, वो उठ चुका है, अब तो सब कुछ खुला खुला हो गया है, सब कुछ ओपन हो गया। आजकल दारू पीना, व्यभिचार करना, ऐसी मूवीज बनती है जिसमें डायरेक्टर जो आधा पागल होता है ना, साइको टाइप के डायरेक्टर्स आजकल मूवी बना रहे हैं। लड़का लड़का प्यार करे उसमें क्या गलत है, लड़की लड़की प्यार करे उसमें क्या गलत है, बताओ। हद तो तब है कि इंसान जानवरों के साथ में लगा पड़ा है, और मुझे डर है कि कहीं ऐसा कोई डायरेक्टर ऐसा कोई मूवी बना दे और सेंसर बोर्ड में पास भी हो जाए कि इंसान को जानवरों के साथ में प्यार हो गया है, और वो जानवरों के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, और यहां तक कि जानवरों के साथ शादी करके भी सेटल हो गया, और पिक्चर के एंड में आ जाएगा एक लिखा हुआ लंबा सा हैप्पी एंडिंग, बताओ। हम ऐसे सुख विलास की दुनिया में जी रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर चर्च का पास्टर पुलपिट से
अगर ऐसी कोई छूट दे दे सुख विलास की। जानते हो याकूब का चौथा अध्याय वचन चार का, चौथा अध्याय का 1, 2, 3 क्या कहता है? कहता है कि तुम मांगते हो तुमको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसको सुख विलास में उड़ा देते हो, सुख विलास में। तो दोस्तों ऐसा दिन आएगा जहां आपका मन नहीं लगेगा, तब जाकर लेखक कहता है ऐसे दिन से बचो। तब जाकर यह क्वेश्चन रखा कि 20 साल के बाद तुम खुद को कहां तैयार करोगे, कैसे तैयार करोगे? आपका वक्त आज किसमें बीत रहा है? सुख विलास में, क्योंकि पौलुस कह चुका है ऐसा दिन आएंगे। ऐसी कोई स्पिरिट से आज मैं रखूंगा, आगे कनेक्शन दूंगा और मैं जल्दी समाप्त भी करूंगा, मेरे साथ बने रहे। ऐसे कुछ स्पिरिट्स हैं आज जो आपको इसमें खींच रहे, इसमें खींच रहे। इंजॉय करो, इंजॉय करो। और एक बहुत गलत धारणा डाल दी है लोगों ने, अविश्वासियों ने, अविश्वासियों के अंदर भी और मसीहों के अंदर भी। और वो गलत धारणा क्या है? खाओ पियो मजा करो, किसने देखा है कि मरने के बाद क्या होगा? राज कपूर एक गाना गाकर चला गया, कहता है जीना या मरना या इसके सिवा जाना का, बल्कि खुद गया। बताइए, और उसका प्रभाव, उस गलत चीज का प्रभाव, उस गलत बीज का प्रभाव इतना असर हो गया है अविश्वासियों में। बोलते अरे यार हम कमाते क्यों है इंजॉय करने के लिए, हमको ऊपर वाले ने भेजा क्यों है? इंजॉय करो, मस्त रहो, खाओ पियो मजा करो। मसीहों से बात करने जा रहा हूं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा, पर मुझे तेरे विरोधी यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये बाइबल की बातें हैं, ये बाइबल की बातें हैं। और आपको पता है आपको बिगाड़ेगा कौन? आपकी शिक्षा जो गलत सी। तब जाकर प्रकाशित वाक्य 3:3 क्या कहता है पता है? चेत कर, खुद को जांच कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और कैसे सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक नहीं होगा किसमें? शिक्षा में। खुद को ठीक नहीं करे किसमें? शिक्षा में। मन कहां फिराना है? सही शिक्षा में। मैं यही तो कह रहा था कि 21वीं सदी में हो क्या रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा किस चीज का है? सही प्रचारकों का। और यही तो लिखा है, तेरा प्रेम ठंडा क्यों हो गया? तू तेरे ऊपर अधर्म का प्रभाव इसलिए पड़ गया क्योंकि तेरी शिक्षा गलत है। छेद कर के तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की थी और किस से, और सुनी थी किस से, किस रीति से, और उसी में बना रहे। मसीह मंथन बैठक के लोगों, लेट मी टेल यू दिस विद प्राउड, और मैं बहुत प्राउडली बोल रहा हूं इसको, मसीह मंथन बैठक के लोगों को, मेंबरों को अपना हाथ लेके खुद की पीठ को थपथपाइए, क्योंकि आपको ऐसी शिक्षा मिली है जिसमें आपका रैप्चर सुरक्षित है और जिसमें आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है, क्योंकि लिखा है कि तुम उसी में बने रहो। वाओ। और फिर वार्निंग भी है ऐसे लोगों के लिए जिसके चर्च के पास्टर ने कहा है कि डैनियल राज को मत सुनो, कहता है जागृत हो जा। ऐसी टीचिंग को मत सुनो तुम्हारे लोकल के पास्टर ने, क्यों? क्योंकि वो सुख विलास वाला है। एक आदमी मेरे पास आया, जल्दी से बोल देता हूं, मेरे पास आया, बोला डैनियल भाई वो एक पास्टर है वो आपको पसंद नहीं करता। मैंने बोला क्यों? बोला उसको आपकी टीचिंग पसंद है। मैंने बोला किस बात के लिए? कहता है कि आप थिएटर जाने से मना करते हो इसलिए वो कहता है कि डैनियल राज गलत है। वाह बेटा, बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं समाज, मसीह समाज में। इसलिए मैंने टॉपिक क्या रखा है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा, सही प्रचारकों का मसीह समाज में। प्रकाशित वाक्य 3:10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मेरे सही टीचिंग को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए पूरे संसार में आने वाली है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी स्पिरिट घूम रही है जो आपको सुख विलास के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए तो पौलुस कहता है कि ऐसा टाइम आएगा। तो इसका मतलब है सुख विलास की स्पिरिट, सिगरेट पिलाने की स्पिरिट, वाइन पिलाने की स्पिरिट, बियर पिलाने की स्पिरिट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के पहले सेक्स, अपने शरीर के साथ में गलत काम करना, हस्त मैथुन, ऐसे सब कुछ कराने की एक स्पिरिट आएगी, एक स्पिरिट आएगी। यीशु कहता है कि उस स्पिरिट से मैं उसको बचाऊंगा जिसने मेरे वचन को थामा है, जिसने धीरज के वचन को थामा है।
इसलिए मत्ती 24 का 13 कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। दोस्तों कैसा लग रहा है, बात समझ में आ रही है? आज मसीह, आज का मसीह समाज या तो सुस्त या तो मस्त, 45% सुस्त में 45% मस्त में, इसको कहते हैं 90% का बेड़ा गरक है आज। ये फोटो को देख लीजिए आप, एक है सुस्ती में और एक है अपनी मस्ती में। अब बता मैंने क्या कहा था, मेरा मन नहीं लगता, सब उपदेशक 12 एक याद आ गया, मेरा मन नहीं लगता। और ऐसे दौर में आप अभी जी रहे, ऐसे वक्त में आप अभी जी रहे, जितने अभी मुझे देख रहे हैं ना, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ बात कर रहा हूं, फेसबुक वालों आपसे भी कह रहा हूं, आप लोगों के साथ में अभी ये हो रहा है। वो वक्त था जब आप सुबह उठ जाते थे प्रार्थना के लिए, आप नहीं उठते, सुस्त। जब उठ जाते हो तो मस्त, उठते ही मोबाइल हाथ में चाहिए, उठते ही सांसारिक बातें चाहिए, उठते ही किसने मुझे व्हाट्सएप पे क्या बोला है, उठते ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे आई लव यू बोला है कि नहीं, उठते ही गलत बात है। सुस्त मस्त। आ गया हूं समाप्ति पे दोस्तों, तब जाकर यह वचन आपके लिए मैंने रखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए से भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी नहीं बुझेगी, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां की आग कभी नहीं बुझती। जहां का आग और कीड़ा ना तो मरता है ना तो बुझती है। दोस्तों इसी स्लाइड के साथ आज का ऑनलाइन चर्च, सैटरडे ऑनलाइन चर्च, एवरी सैटरडे रात 8 बजे से लेके 9:30, इसी स्लाइड के साथ में मैं खत्म कर रहा हूं और सबको कहना चाहता हूं, कैसा प्रचारक है आज आपका, कौन सा चर्च है आपका, किसको सुनते हैं आप लोग आज? 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, प्रचारक सही तो प्रचार सही। चेक करो पास्टर को, चेक करो चर्च को, चेक करो ऑनलाइन प्रीचर को, चेक करो कि आपके कानों में कौन सी टीचिंग जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां पर अपना आनंद काल का जीवन बिताने बैठ जाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में इस वक्त आपके पास आता हूं प्रभु, और कहता हूं कि जो जो इस वक्त में इस प्रचार को सुन रहा है, देख रहा है, सुन चुका है, और जो सुनने वाले, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर वो अपने जीवन में सही लोगों को रखे, सही प्रचारक को रखे, सही कलीसिया को रखे और सही शिक्षा को रखे। प्रभु जी सैटरडे की इन दी ऑनलाइन चर्च को ब्लेस करिए, और वो सभी लोग, क्योंकि वो तेरे साथ हैं, तुझे पहला स्थान देते हैं, तो मैं जानता हूं कि जो तेरे राज्य की खोज करता है तो उसकी आवश्यकता पूरी करता है। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, और इसी को मैं कल चेंबूर चर्च से भी इसको प्रीच करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी कल संडे ठीक 7:30 के बाद या 8 के बीच में आप लोग जो है मेरे साथ फिर से लाइव आ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस।